भी जाइए आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे ट्रांसप्लांट के क्लिनिक्स हैं, बट ट्रस्ट फैक्टर जो होता है एक बार अगर आप वो बिल्टअप कर लेते हैं फिर आप डेफिनेटली आप लोगों को रेकमेंड करेंगे कि आप। हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है काफ़ी सीरियस और काफ़ी मतलब मेरे हिसाब से ये चीज़ों को जानना ज़रूरी है व्यूअर को, सब्सक्राइबर को, जितने मेरे सब्सक्राइबर है खास करके उनको और जो नए मेरे को देख रहे हैं उनको। दोस्त मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो में थोड़ा सा भी दम लगता है मेरी बातें ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगर आप बिना सोचे समझे कमेंट करेंगे, बिना सोचे समझे डिसलाइक करेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये आपके लिए नुकसान की बातें हैं। तो प्लीज़ सोच लीजिएगा, अगर मेरी बातें थोड़ा सा भी सही लगता है तो प्लीज़ बोलेगा यस, अगर गलत लगता है तो नो। लाइक डिसलाइक आपके ऊपर है दोस्तों, ज़रूर कीजिएगा दोनों, लाइक और डिसलाइक भी और कमेंट भी। अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। मैं चाहूँगा दोस्तों कि ये वीडियो आप इतना वायरल करें जितना आपको लगता है। चलिए देखते हैं उनके रिव्यू। मेरा नाम सूरज सिंह है, मैं अंधेरी ईस्ट मरोल मुंबई से आया हूँ। मुझे भूपिंदर की वीडियो से पता चला इस क्लिनिक के बारे में और वो वीडियो देखने के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ मेरा कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो लुक आता है तो थोड़ा सा मैं भी वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया। इसके पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखे थे इंटरनेशनल यूट्यूबर्स के और मुझे एक हेयर ट्रांसप्लांट कराना था। मैंने मुंबई में काफ़ी इंक्वायरी की इस बारे में लेकिन जो अमाउंट और जो एक्सपेंस आ रहा था इसमें वो मेरे काफ़ी बजट के बाहर, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग के लिए नहीं पॉसिबल हो पा रहा था। बट जब मैंने भूपिंदर की वीडियो देखी और देखा कि ये कॉस्ट जो दे रहे हैं, मैं पहले तो मैंने ये सोचा कि क्या ये रियल है, क्योंकि 15 इतने कॉस्ट में करना और ऐसे इतनी अच्छी तरीके से करना मुझे बिल्कुल भी ऐसा लगा नहीं कि ये होगा। तो मैंने इनके क्लिनिक के बारे में काफ़ी रिसर्च की, एवरी डे मैं रिसर्च करता था, उनके सारे गूगल रिव्यूज़ पढ़े मैंने। जब मैंने रिव्यूज़ पढ़े तो मैं और ज़्यादा डर गया क्योंकि सारे रिव्यूज़ इतने अच्छे हैं, तो मैंने कहा कि यार ये पॉसिबल कैसे करके। तो मैंने फिर उनके सारे वेबसाइट्स पे रिव्यू पढ़े, जस्ट डायल पे पढ़े मैंने, प्रैक्टो पे पढ़े, लेकिन सारे वेबसाइट पे सेम रिव्यूज़ हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि नेगेटिव रिव्यूज़ हैं इनके बारे में। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहूँगा। मैंने अपने फैमिली से बात की, उन्होंने भी सपोर्ट किया मुझे इस चीज़ को लेकर। फिर कि इनकी जो सर्विस थी स्टार्ट से लेकर एंड तक, क्योंकि मेरा ये पहला विजिट था और पहले विजिट में ही मैंने डिसाइड किया था कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करना था, पर इन्होंने मुझे काफ़ी कंफर्टेबल किया। मैं उन्होंने किसी भी पॉइंट पे मुझे ऐसे लेफ्ट आउट नहीं किया कि चलो आप आ गए हो तो अभी आपका आपका काम है तो आप कराएंगे, लेकिन उन्होंने काफ़ी इन्वॉल्वमेंट दिखाई इस चीज़ में, जिसके लिए मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ उनका। प्लस स्टाफ ने भी काफ़ी हेल्पफुल है, उन्होंने भी काफ़ी पेशेंस है उनमें, क्योंकि जब मैंने ये ट्रांसप्लांट किया तो मुझे नहीं आइडिया था कि कम से कम 8 से 9 घंटे लग जाएंगे। मैंने सोचा था कि मैं ट्रांसप्लांट अपना 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, लेकिन अगर आप सारे हेड पूरा जो पूरा का पूरा ग्राफ से एक साथ करेंगे तो उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, और उसी वक्त मैंने डिसीजन लिया कि मैं ये सारे के सारे ट्रांसप्लांट एक साथ कर लूँगा। और उन्होंने काफ़ी हेल्प की मुझे इस पूरे प्रोसेस में कि मैं इस चीज़ को कैसे बिना स्ट्रेस के कंप्लीट कर सकूँ। और पर अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मुझे कि मैंने जो डिसीजन लिया वो गलत लिया है। और अगर ट्रस्ट मी, इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से किया हुआ है ट्रांसप्लांट। आप कहीं भी जाइए आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे ट्रांसप्लांट के क्लिनिक्स हैं, बट ट्रस्ट फैक्टर जो होता है एक बार अगर आप वो बिल्टअप कर लेते हैं फिर आप डेफिनेटली आप लोगों को रेकमेंड करेंगे कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहेंगे तो प्लीज़ यहीं से कीजिए, बिकॉज आपको 100% रिजल्ट देने की गारंटी इनकी होती है, यही मैं कहना चाहूँगा। दोस्तों आपको पक्का बहुत पसंद आएगा होगा इनका रिव्यू, उनको कैसा लगा, इनकी फीलिंग्स कैसी रही। अगर आपको भी ऐसे ही करवाना है तो जैसे मैंने बताया वैसे प्रोसेस कीजिए। साथ जान लेते हैं कौन सी टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट हुआ और कैसा हेयर ट्रांसप्लांट, मैं रिजल्ट भी आप लोग को शो करने वाला हूं आज इनका, तो बने रहिए मेरे साथ। साथ ही साथ इस वीडियो को देखकर, इस रिव्यू को देखकर कुछ तो इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर ही लो। दोस्तों देख सकते हैं एनेस्थीसिया का उपयोग किया जा रहा है और FUE टेक्निक, जो ग्राफ्ट निकाले जा रहे हैं सही जगह से, सही एंगल से, जैसे आजू बाजू ग्राफ्ट डैमेज ना हो, FUE टेक्निक का प्रयोग किया जा रहा है और अच्छी तरीके से ग्राफ्ट निकाले जा रहे हैं। साथ ही साथ ये चीज़ें तो आपको पता ही होगा कि मैं अब रिज़ल्ट आप लोग को शो करने वाला हूँ, सामने बॉल्डनेस से स्टार्ट करेंगे एंड रिज़ल्ट तक की बात करेंगे। रिज़ल्ट
जो कि आपको लास्ट में दिखेगा। फिलहाल आप बॉलनेस देख सकते हैं कि सामने कितना बॉलनेस था। दोस्तों करीब सिक्स ग्रेड का मतलब छठवें नंबर का इनका बॉलनेस था, सामने से लेके पूरे पीछे तक का इनका बॉलनेस था। सामने तो हेयरलाइंस आपको नज़र नहीं आ रही होंगी, छोटे छोटे पतले पतले बाल ऊपर दिख रहे हैं, वो भी काफ़ी कमज़ोर बाल हैं। ऊपर देख सकते हैं पूरे हेड तक इनके बाल नहीं बचे हैं, तो ये पूरे गंजेपन के शिकार हैं। आफ्टर मैं दोस्तों आपको पूरा दिखाना चाहूँगा, जितने मेरे पास इनके फ़ोटोज़ हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। आफ्टर इनकी सर्जरी जब हो गई तो आप देख सकते हैं कि आपको ये ब्लैक ब्लैक ऊपर दिख रहे होंगे, ये पूरे ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं, ग्राफ्ट हैं, जो ग्राफ्ट लगाए गए हैं। साथ ही साथ आपको इसमें डोनर भी नज़र आ रहा होगा। ये जो पिक ली गई है 3 या 4 दिन के बाद का है, आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। आपको दिखा दूँ दोस्तों, सामने zigzag पैटर्न का उपयोग किया गया और फ्रंट से लेके लास्ट तक पूरा ग्राफ्टिंग की गई है। डोनर एरिया भी काफ़ी सेफ है, काफ़ी अच्छी तरीके से कवर हो चुका है। दोस्तों जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है आफ्टर सेडिंग फेज स्टार्ट होने लगती है। आप देख सकते हैं कि पूरे बाल वापस इनके चले गए, ऐसा लग रहा है कि इनके कोई ग्राफ्टिंग की ही गई नहीं है और इसमें कोई ग्राफ्ट लगाए गए ही नहीं है। दोस्तों वेरी करता है, सबको सेडिंग फेस अलग अलग तरीके से आता है। किसी का 15 दिन से स्टार्ट हो जाता है, किसी का महीने भर से स्टार्ट होता है, आफ्टर 3 मंथ्स तक वो चलता ही चलता है। 3 मंथ्स जब हो जाते हैं तो बाल आना स्टार्ट होता है, जो ग्राफ्ट लगाए गए रहते हैं वो जड़ से बाल ऊपर आने स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं ये 4 महीने का है, तो थोड़े थोड़े बाल स्टार्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। हम दोस्तों लास्ट इनके रिज़ल्ट तक जाते हैं, जो अभी का हालत है, अभी इनका कैसा रिज़ल्ट है वो देख लीजिए। जो zigzag पैटर्न का उपयोग किया गया था वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, कितनी अच्छी तरीके से जो ग्राफ्टिंग की गई थी वो एकदम नेचुरल दिख रहा है, कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि किसी एंगल से इनका ट्रांसप्लांट हुआ है। करीब इनको 4500 से 5000 ग्राफ्ट के आसपास इनको ग्राफ्टिंग हुई थी और बहुत अच्छा इनका ₹15 पर ग्राफ्ट के हिसाब से कॉस्ट लगा था, जो कि दोस्तों आपको पूरी वीडियो में इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है, जो गंजेपन से शिकार हैं, जो गंजेपन से जूझ रहे हैं, उनके लिए खास करके ये वीडियो है। तो इतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो ये वीडियो शेयर कर ही लेना दोस्तों। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, ये आपको एक मोटिवेट करता है, एक लाइफ को चेंज करते हैं। अगर आपके सर पे बाल नहीं है और आपको अच्छा बाल मिल जाए, अच्छी डेंसिटी मिल जाए, तो क्या बात रही। अगर आपका भी अच्छा ट्रांसप्लांट होता है तो आपको अधिकतर कोई मेडिसिन या गोलियां लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों देख सकते हैं कि कितना लुक चेंज हो गया है। दोस्तों इन्होंने तो अपनी लाइफ चेंज कर ली है, आप भी अपनी लाइफ चेंज कीजिए हेयर ट्रांसप्लांट करवा के। आप कहीं से भी हो, गांव से हो, शहर से हो, जाइए हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए, भारत के किसी भी कोने से हो। लास्ट में वीडियो के मैं क्लिनिक का डिटेल्स दे दूंगा, वो ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, पहले ये कितने बॉडनेस से शिकार थे, अब ये कितने बालों के मालिक हैं। तो ये चेंज होता है दोस्तों, आप भी चेंज करवाइए, लुक चेंज करवाइए दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद हो गया। बोल नहीं सकता दोस्तों कि ये मेरा हेयर ट्रांसप्लांट बाल है, ये मेरा नेचुरल लुक आता है, नेचुरल वे से दिखता है दोस्तों, क्योंकि ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा हुआ है। जिस डॉक्टर ने मेरा किया, आज ही मैं उस डॉक्टर को रेफरेंस करता हूँ, उस टीम को रेफरेंस करता हूँ। और आप भी अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, जहाँ से मैंने करवाया, जिस टीम ने मेरा किया है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मेरा खर्चा है ₹30,000, ₹15 पर ग्राफ्ट के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा अपना, ये मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो भी ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बोला, क्लिनिक का डिटेल्स ये रहा, पुणे महाराष्ट्र में हेयर ट्रांसप्लांट होता है और ये डिस्क्रिप्शन पे भी हर मेरे वीडियो पे मिल जाएगा ये नंबर, आप इस पर ही कॉन्टैक्ट करें। जब भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाएं तो एक बार डॉक्टर से मेरी बात करवाएं, जिससे मैं आपके हेयर ट्रांसप्लांट के लिए और अच्छे से बात कर सकूं और आपका और अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट हो सके। आने वाले वीडियो के लिए वेट कीजिए दोस्तों, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।